आपको ये बताना चाहेंगे कि कोविड-19 की वजह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम आज कोविड के दौर में जी रहे हैं और इस कोविड की वजह से हमें अपने लाइफ स्टाइल, अपना रहन सहन के तरीकों में काफी बदलाव करना पड़ा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा है। अगर मैं ये कहूँ कि कोविड की वजह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे एक दोहरा असर पड़ा है, वो यूं कि एक तो कोविड पैंडेमिक की वजह से जो असर हम सब के मानसिक स्वास्थ्य पे, जिसमें जनरल पॉपुलेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स, सभी तरह के लोगों पे इसका असर पड़ा है, चाहे वो उनको इन्फेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। इसके अलावा एक ऐसा ग्रुप वो भी है जिनका कोविड की वजह से इनके मानसिक स्वास्थ्य पे काफी गहरा असर पड़ा है, वो है जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, जो कोविड पॉजिटिव है। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि इस पैंडेमिक की वजह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा है। पैंडेमिक की वजह से जो असर पड़ा है उसमें सबसे पहले जो ये क्वारंटाइन है कि लोगों को आइसोलेट रहना, अलग रहना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो स्ट्रेस के रूप में लोगों के माइंड पे ज्यादा पड़ रहा है, जिसमें जनरल पॉपुलेशन में इसका असर पड़ा है। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो इस फील्ड में लोगों की मदद कर रहे हैं, उन पर भी काफी गहरा असर पड़ रहा है। जैसे उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाना या फ्रस्ट्रेशन होना, इनसिक्योरिटी, इनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें, और यही सब चीजें आगे चल के उनके अंदर नींद का कम आना और उनको घबराहट, बेचैनी, इस तरह की दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, दूर रहना पड़ रहा है, और इसके अलावा जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं हम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे काफी गहरा असर पड़ा है। आर्थिक नुकसान, जैसा आप सभी लोग देखते होंगे, न्यूज भी सुनते होंगे, बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि लगभग 2 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो जाने वाली हैं, कितने लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं। तो ऐसे लोगों पे कहीं ना कहीं जब उनकी आमदनी नहीं होगी, उनका दिनचर्या, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो नहीं पूरी होंगी, तो उनके ऊपर काफी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, और यही लोग आगे चल के अगर ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं या ये प्रॉब्लम उनकी नहीं सॉल्व होती है, तो धीरे धीरे आदमी डिप्रेशन और सीवियर एंजाइटी, इवन साइकोसिस भी ऐसे लोगों को हो जाती है। ये तो हुई बात जो पैंडेमिक की वजह से। अगर हम बात करें उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से, बहुत सारे लोग जिनको इन्फेक्शन हुआ, हमने ये देखा कि जो लोग स्वस्थ हैं, अगर उनको कहीं एक्सपोजर की हिस्ट्री है और उनकी जांच होती है, उनको ये पाया जाता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं कोरोना के, फिर भी उनके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट, स्ट्रेस, एंजाइटी काफी सीवियर होती है। उसकी वजह यह है कि उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे से दूसरे लोग ना इन्फेक्ट हो जाए, हमारी फैमिली ना इन्वॉल्व हो जाए, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, इनसर्टेनिटी, और जो ये एंजाइटी वाली स्टेज है ये काफी ज्यादा लोगों में देखने को मिली। इवन कुछ लोगों में हमने ये देखा कि एक्यूट साइकोसिस में चले जाते हैं लोग, कि एकदम से उनका जो है साइकिक आउटब्रेक, जिसको हम कहते हैं, वो हो जा रहा है। बहुत सारे सर्वे इस पे हुए हैं जिसमें ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 53-55% लोगों को काफी सीवियर जो है निगेटिव इम्पैक्ट उनके मानसिक स्वास्थ्य पे इस कोरोना का पड़ा है। सो ये तो शार्ट में अगर हम बात करें तो कोरोना का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, और जो इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्शन के लिए सबसे जरूरी ये कि हमको बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज को, नेगेटिव बातों को नहीं देखना है ना सुनना है, पॉजिटिव रहना है, अपना रेजिलियंस या अपनी जो हमारी
क्षमता है चीजों को फेस करने की, उसको बढ़ा के रखना है। सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है, एक सोशल जो फैमिली नेटवर्क है, फ्रेंड्स का नेटवर्क है, उनके साथ कनेक्टेड रहना है, बातों को शेयर करना है। और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के तरीके बताए गए हैं सरकार के द्वारा या जो डॉक्टरों के द्वारा, हमको उन सबको फॉलो करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।